वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू पाइथन सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन फॉर मैथमेटिक्स, कैसे हम पाइथन का यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। हम इस वीडियो में बात करेंगे राउंड इनबिल्ट फंक्शन के बारे में, उसके बाद एब्सोल्यूट इनबिल्ट फंक्शन के बारे में, देन पाइथन एज अ कैलकुलेटर, कैसे हम पाइथन का यूज कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटर, देन फाइंडिंग स्क्वायर रूट इन पाइथन विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन, एंड देन इंट्रोडक्शन टू द मैथ मॉड्यूल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राउंड इन पाइथन के बारे में। राउंड एक इनबिल्ट फंक्शन होता है और वो रिटर्न करता है अ नंबर दैट इज राउंडेड वर्जन ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर। हमको एक नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है इस राउंड फंक्शन के अंदर, और ये राउंड फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, उसका राउंडेड वर्जन। मीन्स उस स्पेसिफाइड नंबर का जो राउंडिंग नंबर होगा वो हमें राउंड इनबिल्ट फंक्शन रिटर्न करेगा। राउंड फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। राउंड फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें राउंड फंक्शन का नाम लिखना होगा, और फंक्शन नेम लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स को पास करना पड़ता है। फर्स्ट आर्गुमेंट है नंबर जिसका हमें राउंड करना है, और दूसरा आर्गुमेंट है डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डेसिमल्स टू यूज। अगर आप नंबर की जगह पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देते हैं तो वह आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बाद में आपको कितने डेसिमल्स मतलब कितने डिजिट्स देने हैं उस डेसिमल पॉइंट के बाद, वो ये स्पेसिफाई करता है। ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। अगर आप डिजिट्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो होगी जीरो। और जो फर्स्ट आर्गुमेंट है जो हमारा नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, और ये ऑप्शनल आर्गुमेंट नहीं है, इसे आपको पास करना ही है। चलिए राउंड फंक्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। सो गाइज, मैं वीएस कोड में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं यूज करूंगा राउंड फंक्शन का। राउंड फंक्शन का यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले राउंड फंक्शन का नाम लिखना होगा, और राउंड फंक्शन दो आर्गुमेंट्स लेता है, एक होता है ऑप्शनल और दूसरा होता है मैंडेटरी। सो चलिए हम यहाँ पे मैंडेटरी आर्गुमेंट जो है नंबर जिसका हमें राउंडिंग करना है वो नंबर हम यहाँ पे पास करते हैं। मैं यहाँ पे पास करता हूँ 5.67। 5.67 का राउंडिंग क्या आता है, इसका राउंड नंबर होता है 6। 5.67 के पास कौन सा होल नंबर है, वो है 6। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट विंडो में कुछ नहीं दिखाई देगा। अब इसे मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए आउटपुट में 6 आ रहा है। चलिए मैं दूसरा ऑप्शनल आर्गुमेंट देता हूँ, यहाँ पे मुझे कॉमा से सेपरेट करना है, और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज 1 देने के बाद चलिए इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए मुझे 5.7 मिल रहा है। सो 5.67 का जो राउंडिंग नंबर होता है वो होता है 5.7 अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। गाइज यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं। अगर मैं 1 की जगह पर 4 डालूं और इसे सेव करके रन करूं, मुझे आउटपुट विंडो में 5.67 मिलेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद दो ही नंबर्स है, तो ये कैसे 4 प्रिंट करेगा। चलिए मैं 67 के बाद और कुछ नंबर्स लिखता हूँ, अब इसे सेव करके रन करता हूँ, ये देखिए मुझे 6712 दिखाई देगा इस डेसिमल पॉइंट के बाद। गाइज अगर आप सिर्फ इंटीजर लिखते हैं, यहाँ पे सपोज आपने लिखा 5, तब आपको प्रिंट करके मिलेगा सिर्फ 5। आप चलिए अब बात करते हैं एबीएस इन पाइथन के बारे में। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है और इसका यूज होता है फॉर रिटर्निंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक नॉन निगेटिव नंबर होता है। सपोज x एक नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करोगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी सिर्फ x। एक मैग्नीट्यूड होता है और ये अलवेज पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह होता है, आपको फंक्शन का नाम लिखना है, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको वैल्यू पास करनी है। वैल्यू का मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये इनबिल्ट फंक्शन 3 टाइप्स के आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट वन इज इंटीजर, सेकंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप वैल्यू की जगह पर कोई इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करते हैं तब आपको ये एब्सोल्यूट नंबर मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पास करते हैं तब आपको ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड रिटर्न करेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+bj, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है।
अब यहाँ पे देखिए, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 3+4j, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो आता है 9, उसमें ऐड कर दिया जाएगा 4 का स्क्वायर जो आता है 16, 16 प्लस 9 होगा 25 और 25 का अंडर रूट क्या आता है 5, सो इसका मैग्नीट्यूड 5 है। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने -20 का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको मैंने असाइन किया है value1 वेरिएबल के साथ। अब मुझे -20 का एब्सोल्यूट नंबर प्रिंट करना है और उसके लिए मैं यूज करूंगा एब्सोल्यूट फंक्शन। ABS लिखना है जो फंक्शन का नाम है, और पास करनी है वो वैल्यू जो है -20। -20 को पास करने के लिए चलिए मैं वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखता हूँ, वो ऑटोमेटिकली -20 पास कर देगा। अब इसे प्रिंट करना है, अगर मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो मुझे एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई देगा आउटपुट विंडो में। सेव इट एंड रन। रन करने के बाद आउटपुट विंडो में ये देखिए आपको 20 मिलेगा, जो माइनस साइन है वो यहाँ से हट जाएगा। इसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ भी कर सकता हूँ, ये देखिए मैं 0.5 लिखता हूँ। सेव इट एंड रन। रन करने के बाद 20.5 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे यूज करता हूँ, इसे रब करता हूँ और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ जो हमने एग्जाम्पल में देखा था 3+4j। अब इसे सेव करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसे रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे 5.0 मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट आया था 5। बस यहाँ पे सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट हो रहा है। नाउ पाइथन एज अ कैलकुलेटर, देखिए हम पाइथन का इस्तेमाल एज अ कैलकुलेटर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, आइडियली लिख के सर्च करना है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है तो आइडियली ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैं 2+3 करता हूँ, मुझे तुरंत आउटपुट दिया जाएगा 5। मैं अगर 4-5 करता हूँ तो मुझे -1 मिलेगा। अगर मैं 5×4 करता हूँ तो मुझे 20 मिलेगा। इस तरह हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अब बात करते हैं कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है पाइथन में बाय यूजिंग एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर एंड विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए में रखता हूँ 16। हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। अब इसे मैं एंटर करता हूँ, और मुझे स्क्वायर रूट प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 1/2। यहाँ पे मैं ए उसका पावर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, और वहां पे मैं दूंगा 0.5 मतलब 1/2। एंटर करूंगा, मुझे 4.0 16 का जो स्क्वायर रूट है वो प्रिंट करके मिलेगा। गाइज मैथ मॉड्यूल के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जानेंगे। मैथ मॉड्यूल एक मॉड्यूल होता है जिसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स के रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोज़।